नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक बेद, एसोसिएशन मेडिकल काउंसिलर का प्रधान यानी प्रेसिडेंट हूँ। आज के माहौल में, कोरोना के माहौल में, लोगों के मन में डर बैठ गया है। ये कहना ज़रूरी है कि कोरोना हमारे साथ कई महीनों तक रहने वाला है। डर के कोई फ़ायदा नहीं। 90% लोग ये बीमारी से अपने आप बाहर आ रहे हैं, बिना कोई इलाज के, बिना कुछ, क्योंकि ये वायरस का इन्फेक्शन है। अपना शरीर की ताकत उसे खुद अपने आप बाहर निकाल रही है। तो 90% लोग क्योंकि अपने आप ठीक हो रहे हैं, तो डर के मतलब नहीं है। इसके लक्षण क्या है वो हमें ध्यान रखना है। एक, बुखार, खांसी, दम लगना और कई बार बेहद कमज़ोरी लगना जो पहले कभी नहीं लगा हो, और जुलाब चालू होना, इसे ध्यान में रखना है। इसमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। यहीं पे जब इस तरह के लक्षण हो तो डॉक्टर कोरोना के टेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो पॉजिटिव हो तो हमें क्या करना है वो भी जानकारी रहना ज़रूरी है। हमें डर लग जाता है, जैसे कि रिपोर्ट पॉजिटिव आए हम डर जाते हैं कि अभी क्या करना है, बिस्तर के लिए भागदौड़ चालू हो जाती है। पहली बात तो ये है कि सभी पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी यानी ज़्यादातर लोग घर पर ही इलाज कर सकते हैं। तो एडमिट करने की किसको ज़रूरत है? एडमिट करने की उनको ज़रूरत है जो एक बहुत ही तकलीफ में है, यानी कि दम लग रहा हो, श्वास चढ़ रहा हो, क्योंकि ये पेशेंट को जान को खतरा है। सिर्फ कमज़ोरी, सिर्फ बुखार, सिर्फ खांसी, सिर्फ सर्दी के लिए एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। दम लगना ज़रूर अपने को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर उनकी ऑक्सीजन 95 के नीचे हो। और अगर दूसरा 60 साल की उम्र के पेशेंट हो, तीसरा उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या कोई बीमारी हो, और चौथा जो अहम चीज़ है, कई बार कई लोगों के घर में बाथरूम नहीं है, तो वो एक से दूसरे को बीमारी फैला सकती है, इन लोगों को एडमिट करने की ज़रूरत है। अगर कोई भी पेशेंट इनमें से नहीं फिट होते हैं, यानी कि छोटी उम्र के हैं, बिना कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, साधारण सर्दी खांसी है और घर में बाथरूम खुद की व्यवस्था है, तो उन्हें एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें घर में ध्यान रखना है कि अपने घर में एक ही कमरे में रहना है, एक ही बाथरूम में, जहाँ पर अपने खुद की बाथरूम हो, व्यवस्था हो, ताकि अपने घर में दूसरों को ना लगे। अभी नियम ऐसा है कि जब तक लोगों को तकलीफ ना हो, घर वालों को भी, उनको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हाई रिस्क लोग, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, जैसे बड़ी उम्र हो, डायबिटीज, उनको टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरी बात, जिसे भी अगर बीमारी लग गई है, उन्हें वापस टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस उनको तकलीफ बढ़ रही हो या एडमिट हॉस्पिटल में हो, तो डॉक्टर खुद उनके टेस्ट करेंगे। वरना जो पेशेंट जिनको पॉजिटिव आया है, उनको अभी जो नियम के ही ना हिसाब से वापस टेस्ट कर लिए, आइसोलेशन में रखना ज़रूरी है, ये मेन है। अभी एक व्यवस्था ऐसी आ गई है, एक प्रॉब्लम ऐसी आ गई है कि जो समझो दम लग रहा है, श्वास चढ़ रहा है और रिपोर्ट आना बाकी है, या रिपोर्ट नेगेटिव है, तो क्या करें? अभी किसी को भी अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आए तो 1916 पे आप फ़ोन करके बिस्तर की व्यवस्था कर सकते हैं जिनको तकलीफ हो। अभी यहाँ एक पेशेंट की ऐसी संख्या आ गई है जिनको भयंकर तकलीफ है, लेकिन या तो रिपोर्ट नेगेटिव है या रिपोर्ट आना बाकी है। अभी ऐसी अवस्था में आप क्या करें? पहली बात तो ये है कि इस अवस्था में पहुंचने से पहले ही अपने आप का ध्यान रखो, ताकि इस अवस्था में न पहुंचो। टेस्ट जल्दी करो, ताकि जल्दी रिपोर्ट आए और डॉक्टर भी देख सकते हैं कि दम लग रहा है, श्वास चढ़ रहा है, तो तुरंत रिपोर्ट निकाल सकते हैं। लेकिन 1916 इन लोगों को बेड नहीं दे सकती, क्योंकि उनका रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है। दूसरी तकलीफ हो जाती है कि कोविड पेशेंट हॉस्पिटल इनको जल्दी से लेता नहीं है, और नॉन कोविड हॉस्पिटल जिसमें कोरोना के पेशेंट नहीं एडमिट है, उनको भी दिक्कत हो जाती है कि अगर वो कोविड पेशेंट को एडमिट कर ले तो दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन लगने का डर रहता है, ये पेशेंट अटक जाते हैं। दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट ने इस पर गौर नहीं किया है, और हम लोग जो डॉक्टर लोग हैं, इसके लिए दो तरीके अपनाते हैं। जो पेशेंट का भी रिपोर्ट नेगेटिव आता है, उनके लिए हम लोग एक्सरे या सीटी स्कैन निकाल लेते हैं। सीटी स्कैन में अगर कोरोना जैसे आया तो हम लोग उसको कोविड हॉस्पिटल में ही भर्ती करने के लिए जिद करते हैं और चाहते हैं कि कोविड हॉस्पिटल में ही भर्ती हो। ICMR हो या गवर्नमेंट हो, उनको थोड़े रूल में तब्दीली लानी पड़ेगी वो पेशेंट के लिए, क्योंकि 30-40% पेशेंट का रिपोर्ट नेगेटिव आता है अगर पॉजिटिव होने के बावजूद। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जैसे ही आपको दम लगे, श्वास चढ़े, तो पहले ये करो कि नज़दीक के अपने हॉस्पिटल में जाओ। अगर नज़दीकी हॉस्पिटल आपको बताए कि नहीं, आपका ऑक्सीजन कम है और डाउट कोरोना का है, तो या तो कोविड हॉस्पिटल में आप चले जाइए, जहाँ पर ट्रायज करके एरिया रहता है, जहाँ पर कोविड हॉस्पिटल आपको एडमिट कर सकती है, वहाँ पर रिपोर्ट की व्यवस्था करते हैं। अगर पॉजिटिव हुआ तो बाकायदा कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं,
नेगेटिव भी आया और लेकिन दम लग रहा है, श्वास चढ़ रहा है, एक्सरे सीटी स्कैन में कोविड आया, तो वो लोग आपको कोविड की तरह ही इलाज करेंगे। लेकिन ये जो बीच का रास्ता है, जो हम लोग डॉक्टर को मालूम है किस तरह से इलाज करना है, कहाँ एडमिट करना है, लेकिन गवर्नमेंट को भी इस पर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि 1916 जो व्यवस्था है वो सिर्फ रिपोर्ट पॉजिटिव पेशेंट को ही लेते हैं। अगर सीटी स्कैन पॉजिटिव हुआ या एक्सरे में डाउट पैदा किया या ऑक्सीजन कम हुआ, तो भी 1916 की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन्हों को भी एक बेड व्यवस्था करने की कोशिश करना है। स्पेशली वो पेशेंट जिसका ऑक्सीजन 95 के नीचे हो, 90 के नीचे हो, उनको व्यवस्था करना की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पेशेंट डर डर की भटके खाते हैं और उनको तकलीफ होती है। धन्यवाद।